ना भरने की झंझट और ना ही फटने का डर और ना ही कोई अलग से मसाला बनाने की मेहनत अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए या सफर में लेके जाना हो मिनटों में ढेरों सारे आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं ये नाश्ता दो से तीन दिन तक बिल्कुल ही खराब नहीं होती है और इसमें पूरी और खास्ता कचौरी दोनों का टेस्ट है तो इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा ये आपको बहुत पसंद आएगी अगर आज की रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप उड़द का दाल ले लिए हैं इसे हमने अच्छे से वॉश करके दो घंटे के लिए पानी में भिंगो कर रख दिए थे तो ये अच्छे से फूल चुका है अब इसका हम पानी निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका पानी मैंने निकाल लिया है अब एक मिक्सर जार लेंगे अब ये सारे दाल को इस मिक्सर जार में डाल देंगे और इसी के साथ इसमें डालेंगे एक इंच अदरक के टुकड़े तीन हरी मिर्च अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच जीरा और एक छोटी चम्मच सौंफ अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे तो यहाँ पर इसे मैंने पीस लिया है अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे अब इसमें कुछ फ्लेवरफुल मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच अजवाइन एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें हिंड डालेंगे इसे इस नाश्ते में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं अब इस नाश्ते को खास्ता बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल और इस नाश्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे एक तिहाई कप सूजी सूजी डालने से नाश्ता एकदम क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होती है अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे दस मिनट के लिए ताकि जो सूजी है अच्छे से सेट हो सके तो यहाँ पर इसे रखे हुए दस मिनट हो गए हैं तो इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पहले से आप देख सकते हैं बैटर जो है काफ़ी ठीक हो गया है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है अब यहाँ पर हम लेंगे दो कप गेहूं का आटा तो एक साथ इसमें आटा नहीं डालेंगे पहले हम एक कप के जितने इसमें आटा डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आटा गूँध के तैयार कर लेना है तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें आटा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे तो इसे अच्छे से गूँध लिया है मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक बार इसे और मसल के चिकना कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है सेमी सॉफ्ट मैंने आटा गूँध के तैयार किया है अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो अब इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए और इतना आटा को लगाने में मैंने यहाँ पर डेढ़ कप सूखे आटे का इस्तेमाल किया है डिपेंड करता है कि जब आप दाल पीस रहे हैं तो उसमें आप कितना पानी डाल के पीस रहे हैं अगर आप ज्यादा पानी डाल के दाल पीसेंगे तो उसमें आपका सूखा आटा ज्यादा लगेगा तो टोटल हमने यहाँ पर डेढ़ कप आटा का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आटा को रखे हुए पंद्रह मिनट हो गया है आटा अच्छे से सेट हो गया है अब इसमें से लोई तोड़ेंगे और नींबू का साइज का पेड़े बना के तैयार कर लेंगे तो इसी साइज का सारे पेड़े बना लेंगे अब यहाँ पर हम चकला और बेलन ले लेंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है तेल तो तेल को ना इस बेलन में लगा लेंगे और थोड़ा सा चकले के ऊपर भी लगा लेंगे अब इस तरह से एक पेड़े लेंगे इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे आप चाहे तो सूखे आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है यह साइज का पूरी बेल के तैयार कर लेना है तो यहाँ पर इतने सारे पूरी बेल के मैंने तैयार कर लिया है अब इसे हम फ्राई कर लेंगे तो फ्राई करने के लिए गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे तो तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं इसमें थोड़ा सा आटा डाल के चेक करेंगे और आप देख सकते हैं डालते के साथ ही ये ऊपर आ गया है इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म हो गया है अब इसमें पूरी डाल के फ्राई कर लेंगे बस जब आप पूरी डालिए इसमें तो इस तरह से चम्मच से हल्का सा टाइप कीजिए इसके ऊपर और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरी फूल रही है ये देखें और कुछ ही सेकेंड के बाद इसे आप इस तरह से पलट दीजिए और इसे अलट पलट करते हुए अच्छे कलर आने तक फ्राई कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से फ्राई हो गया है दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं वाओ देखें कितनी टाइम लग रही है ना और देखें आपको पता चल गया होगा ये कितनी क्रिस्पी और करारी बनी है और इसी तरह से बाकी पूड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे बस आपको यही बात का ध्यान देना होगा पूरी फ्राई करते टाइम तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और जब आप पूरी को इसमें डालें तो डालने के बाद चम्मच से थोड़ा सा इसके ऊपर टाइप कर दीजिए आप चाहे तो एक साथ में दो या तीन पूरी भी फ्राई कर सकते हैं तो इसके साइड में जगह है तो एक पूरी और इसमें डाल देंगे और इसके ऊपर हल्का सा टैप करेंगे इस तरह से इस नाश्ते को बनाने में कोई भी झंझट नहीं है ना भरने का झंझट है और ना ही फटने का डर है बिना झंझट आप इस नाश्ते को कभी भी बना सकते हैं इस नाश्ते में आपको पूरी खस्ता कचौरी और बेडमी पूरी सबका टेस्ट मिलेगी और यह नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगी वैसे खस्ता कचौरी और बेडमी पूरी की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ अगर आपको और रेसिपी देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसी तरह से और भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे तो ये लीजिए बहुत ही टेस्टी एकदम फुली फुली क्रिस्पी करारी नाश्ता बनके तैयार है बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुई है अचानक से घर पे कोई मेहमान आ जाए या सफर के लिए जाना हो बिना कोई झंझट के बिना कोई मेहनत के आप इस नाश्ते को बना सकते हैं और जिसे भी आप इसे खिलाएंगे ना वो आपका तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा आप इसे आलू के सब्जी के साथ या दही अचार के साथ सर्व कीजिए ये सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और करारी बनके तैयार हुई है एक मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये देखें और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है तो इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक देना ना भूलें